तो गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो। अभी हम बेट द्वारका को एक्सप्लोर करके द्वारका आए हैं एंड यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं। अभी लंच करने के बाद हम गोमती घाट जाएंगे जो कि द्वारका में ही है। एंड मैं आपको बता दूं कि द्वारका में ऐसे बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज हैं जिसको आप जाके विजिट कर सकते हैं, जाइए। बट दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई एवर सीन फॉर दिस काठियावाड़ी टेस्ट, सो प्लीज विजिट हियर। हम खाते हैं फिर गोमती घाट के निकलते हैं, तब तक के लिए बाय। सीधा सीधा आई थी घाट के सामने जा रहे हैं, कौन से बता दो सीधा स्ट्रीट में जा रहे हैं। गाइस हम आए हैं घाट, लेकिन चेक अच्छा लग रहा है, दिक्कत ये एक्चुअली समुद्र है। मैं एंजॉय कर लेती हूँ, आप आइएगा तो आप भी इस घाट पे आइएगा, खाना वाना खाकर मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ से थोड़ा आगे जाकर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे घाट है, यहाँ पे हमने स्नान तो कर लिया। ठीक है, फिर शाम को आपको दिखाती हूँ और भी कुछ कुछ होगा। तो हम लोग फिलहाल मंदिर जा रहे हैं क्योंकि मंदिर में बहुत क्यू लगी होगी, इन केस अगर हम लेट हो गए तो हम नहीं जा पाएंगे। और वहाँ जो आप देख रहे हैं बोर्ड है, बोर्ड है धर्मशाला का, 20 रुपीज़ पर हेड लेते हैं और आपको स्नान करवाने दे देते हैं। आप जाके फ्रेश वाटर से बात कर सकते हैं, जैसे हम नहीं कर रहे हैं, मतलब सीधा सीधा आपको जाना पड़ेगा। हम चल रहे हैं मंदिर, मंदिर पहुँच के आपको दिखाते हैं, तब तक के लिए बाय। यहाँ से आगे जाना है मंदिर, और मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं है, लगेज अलाउ नहीं है, तो आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट शो यू, बट हाँ मिलते हैं आपसे फिर बाय। हम जा रहे हैं सुदामा झूला, मंदिर तो शो नहीं होने दिया बिकॉज वहाँ पे कैमरा है, नॉल अलाउ नहीं, फिर भी हम बाहर से जाके क्लिक करेंगे, पहले हम सुदामा झूला जाएंगे क्योंकि हमें बहुत मिनिमम टाइम है। तो फिर मिलते हैं सुदामा झूले पर। ये है सुदामा झूला, आप देख सकते हैं काफ़ी ही खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है मंदिर, वो रही मंदिर। यहाँ पे फोन अलाउ नहीं है, जैसे आपको मैं शो कर सकती हूँ, वहाँ आपको मैंने दिखा दिया सुदामा झूला। तो यहाँ आगे अपने दिखाती हूँ कैसा दिखता है, सब तक क्लियर बने रही। द्वारका धीश का मंदिर है वो। तो जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हम सुदामा सेतु पर हैं, एंड मैं आपको उसके बारे में छोटा सा एक ब्रीफ देता हूँ व्हाट सुदामा सेतु इज। एक्चुअली सुदामा सेतु इज लोकेटेड एट गोमती घाट, एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ द द्वारकाधीश मंदिर। नाउ ये जो ब्रिज है कनेक्ट करता है गोमती घाट विथ पंचानंद तीर्थ, एंड इसको दो गवर्नमेंट बॉडी एंड प्राइवेट बॉडी ने बनाया है, द प्राइवेट बॉडी इज रिलायंस कंपनी। एंड दिस ब्यूटीफुल केबल ब्रिज नेम आफ्टर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कृष्ण जी, इनका नाम था सुदामा जी, तब इस ब्रिज का नाम सुदामा सेतु रखा गया है। एंड इस ब्रिज का वाइब जो है इट्स वेरी पीसफुल एंड अमेजिंग वाइब, सो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, तो यहाँ पे आए, इसको एक्सप्लोर करें, इसको एक्सपीरियंस करें। तब तक के लिए आप भी मजे लीजिए, हम भी मजे लेते हैं। तो गाइज अभी हम बीच साइड एरिया पे आए हैं, आप व्यू देख रहे हैं बहुत शानदार है, एंड ये जो समुद्र है ये अरब सागर समुद्र है। चलो तो इसी व्यू को देखते हुए कुछ द्वारका के बारे में बात करते हैं। द्वारका को पूर्व किताबों के अनुसार स्वराष्ट्र कहा जाता था, यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने ऐतिहासिक शहर द्वारका को बसाया। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पे बसी विश्वास और इतिहास को जोड़ती द्वारका। श्रद्धांजलियों के लिए हमेशा ये देवभूमि रहा है, भारत के चार धामों में से एक एंड सात सबसे पवित्र नगरों में से एक है द्वारका। द्वारका को मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ, मथुरा से उनके पिता गोकुल लेके आए, एंड गोकुल में श्री कृष्ण जी ने अपना पूरा मिडिल एज जो है वो बिताया। गोकुल के बाद वो मथुरा गए, मथुरा में उन्होंने अपने क्रूर मामा कंस का वध करके मथुरा के राजा बने। कंस के ससुर श्री जरासंध के रेगरस अटैक्स के बाद उन्हें श्री कृष्ण जी को मथुरा छोड़ना पड़ा, वे अपनी पूरी प्रजा को लेके स्वराष्ट्र आए, स्वराष्ट्र में अपनी पूरी किंगडम बसाया जिसका नाम दिया द्वारका। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से जमीन ली और देवतों के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। सो अभी हम सुदामा सेतु पर हैं, एंड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे द्वारका मंदिर का व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा मिल रहा है, एंड ऊपर जो झंडा लहरा रहा है वो एज आई नोटिस कि वो दिन में 3 से 4 बार चेंज हो चुका है। सो यहाँ पे भक्ति का स्तर जो है वो काफ़ी हाई है, एंड आखिरी बार दिखा रहे हैं आपको सपनों का शहर द्वारका, देखिए आप इस व्यू का मजा।
सो गाइस अभी हम ब्रह्मकुंड आए हैं एंड आई टेल यू बेसिकली व्हाट ब्रह्मकुंड इज। लॉर्ड कृष्ण जी ने इस जगह को नाम ब्रह्मकुंड इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे 6 लोग उनसे मिलने के लिए आए थे, उनको ग्रीट करने के लिए आए थे। एंड यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स भी यही बिलीव करते हैं कि इस कुंड का जो पानी है गॉट मिक्स विथ गंगाज पानी, उसके साथ मिक्स होते हैं एंड उसके बाद जो इस कुंड का जो पानी होता है इट बिकम स्वीट। और यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि इधर से लोगों के पाप भी मिटते हैं। तो आप प्लीज़ आएँ और इस डिजिप्लेस को विजिट करें।